में और लड़ता है। आप मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करा के दिखा दीजिए। अगर एक बात का बेटा ये सर्वे सेटलमेंट का समस्या का समाधान होगा, लेकिन 5 साल मंत्री रहा, 5 साल समय बीत गया, लेकिन सर्वे चंदन क्यारी में भाजपा जेएमएम आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। ज्यो ज्यो चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है, त्यो त्यो जुबानी जंग भी तेज होती दिखाई दे रही है। अब तो भाजपा जेएमएम के वार पलटवार से सियासी पारा भी चढ़ गया है। ताजा मामला चंदन क्यारी का है। एक तरफ जहां पूर्व मंत्री जेएमएम से प्रत्याशी उमाकांत रजक ने चंदन क्यारी से जेएमएम कार्यालय में एनडी गठबंधन के दल के बैठक में नेता प्रतिपक्ष पर जमकर निशाने साधते हुए उसे विकास विरोधी बताकर अमर बावी की स्थानीयता पर सवाल उठाते हुए बंगाल का निवासी कहते हुए तंज कसते दिखाई दिए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को भी बयान चुभ गया। उन्होंने अपने नामांकन के पश्चात सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री उमाकांत रजक के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि अगर एक बाप का बेटा है तो मेरा नामांकन रद्द करवा कर दिखा दे। जिसे जनता ने पिछले 2 चुनाव में करारे शिकस्त देकर उसे नकार चुकी है, उसे चंदन क्यारी में मेरे कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक विकास कार्य हजम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री सजेएमएम प्रत्याशी उमाकांत रजक वर्ष 1982 को हुए भू सर्वे सेटलमेंट में 90% विसंगतियां और त्रुटियों का जिक्र करते हुए अमर बावरी को घेरा, जिसे 2019 के विधानसभा चुनाव पूर्व भू राजस्व मंत्री रहे अमर बावरी ने इसके सुधार के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर सुधार करने की बात कही, जो नहीं हुआ। इसके संशोधित नहीं होने से चास चंदन क्यारी के रैयतों किसान परेशानी में है, तो वहीं भाजपा को भ्रष्टाचार का जननी करार दिया। हम तो चंदन क्यारी का माटी का बेटा है और कोई जो है ना बंगाल का बेटा है, तो बंगाल का बेटा चंदन क्यारी का जमीन पर यहाँ पर जीतने के बाद कभी चंदन क्यारी के गरीब गुरबा के लिए सोचेगा क्या? कभी नहीं सोचेगा। इसलिए ख्याल करना है, ये सर्वे सेटलमेंट का समस्या का समाधान होगा, लेकिन 5 साल मंत्री रहा, 5 साल समय बीत गया, लेकिन सर्वे सेटलमेंट नहीं हुआ, न उसका विसंगत नहीं है, उसको दूर करने का कोई पहल हुआ। लेकिन 2019 के चुनाव के 6 महीना पहले ये बरवसिया में मीटिंग करता है और वहाँ लोगों को भरवाने के लिए बोला आया रुड़की का IITL लोग आएगा और सेटेलाइट से जो है सर्वे होने का काम होगा। आप चंदनकारी के लोग हैं, चंदनकारी के सभी चीजों को जानते हैं, देखते हैं क्या सर्वे सेटलमेंट रुड़की के लोगों ने किया सेटेलाइट से। इसी का जवाब आपको 2024 का चुनाव में 20 तारीख को देना है। और इसने कहा ये भारतीय जनता पार्टी जो योजना लाया है कि अमर बावरी गो गो है, ये आप समझ लीजिए कि आप ये समझिए गो गो नहीं है, ये अमर बावरी गो गो मन अमर बावरी जाओ। तो उसको जैसे आपको भेजना है मैं और लड़ता है, आप मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करा के दिखा दीजिए। अगर एक बाप का बेटा है करके दिखा दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मूलवासी झारखंडियों के लड़ाई में हम सब लोग यहाँ से जो विस्थापित है यहाँ आकर के जो ये चैलेंज करते हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत जगह से कानों में आई थी, इसको बोलना जरूरी था। बाकी कोई भूल त्रुटि होती ही है, मनुष्य है, त्रुटि होते ही है, अपने देवकुल कार्यकर्ता भी, अपने गार्जियन सब भी हैं, अपनी जनता भी है। क्षमा आपके बीच में हाथ जोड़ करके दंडवत करके मांगते हुए जो त्रुटि हुई है उसको सुधार का मौका दीजिए और आइए, इस झारखंड को बचाना है, देश को बनाना है। जय हिंद, जय झारखंड। जोहार।